नमस्कार, स्टेज न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। माँ के हृदय में अपने बच्चों की कुशलता और भलाई की फिक्र हरदम रहती है, फिर चाहे वो अपनी जिंदगी के आखिरी सफर के इर्द गिर्द ही क्यों ना रहे। कई सालों के लकवे की बीमारी से जूझ रहे गोटेगांव श्रीनगर की जमुना बाई की सांसे भी इंदौर में रहने वाले अपने बेटे के सकुशल घर वापसी के इंतजार में चल रही थी, और जैसे ही बेटा घर पहुंचा तो माँ ने बेटे को देखा और दुलारते हुए ही उसकी सांसों की डोर टूट गई। जैसे कि माँ की अंतिम सांसों को भी इंतजार था कि लॉकडाउन में कब उसका बेटा घर आए और वो दुनिया से विदा ले। हम लोग क्या कोरोना वायरस चलते उधर फंसे हुए थे इंदौर में। मम्मी की अचानक और ज़्यादा तबीयत सीरियस थी, उसके चलते फिर हम लोग उधर से निकले गाड़ी करके, फिर इधर पे आए और 10-15 मिनट बाद मम्मी शांत भी हो गई थी। कितने दिनों से फोन जा रहा था, लगातार आ रहा था? आठ दिन से। जैसे यहाँ पहुँचे सर क्या हुआ? इधर जैसे ही आए हैं 10 मिनट बाद मम्मी शांत हो गई। रूल के भी हाँ, मतलब ऐसे आ भी दिन भर एक दो दिन से आंखें भी नहीं खोल पा रही थी, पर हम लोग जैसे ही पापा ने बताया मम्मी से कि देखो पंटी आ गया, तो उनने आंखें खोली और हम लोग तरफ देखा और जैसे बोलने की कोशिश भी कर रही थी पर बोल नहीं पाई, पर फिर 10 मिनट बाद शांत हो गई। माता राम की चाची की तबीयत ख़राब थी। दिन मैंने, मेरे भाई है छोटा वाला, मैंने उसको फ़ोन किया इंदौर, तो कोरोना वायरस में फंस गया था वो, तो फोन लाया, वहाँ व्यवस्था बनवाई गाड़ी की, वहाँ से फिर वो आया यहाँ आकर 2-5 मिनट देखा उसने मातराम ने सबको, उसके बाद देहांत हो गया। नमस्कार, स्टेज न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती सिर्वे। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहपुरा राजमार्ग 12 पर पैदल चल रहे कोरोना लॉकडाउन के कारण मजदूर बैगा परिवार जो बेलखेड़ा सुंदरा देही से मंडल पैदल जा रहा था, जब परिवार शहपुरा पौड़ी फाटक के पास पहुंचा तो एक कुत्ता दौड़ कर आया और परिवार के साथ चल रही बच्ची और झपट कर बच्ची के मुंह को अपने मुंह में लेकर बच्ची के मुंह को बुरी तरह काट कर घायल कर दिया। जब शहपुरा के लोगों ने देखा तो तुरंत उस बच्ची को शहपुरा थाने लाकर डीएसपी मरकाम थाना प्रभारी शहपुरा को जानकारी दी। तुरंत थाना प्रभारी ने मानवता दिखाते हुए उस बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुरा साथ में ले गए और खड़े होकर बच्ची का इलाज कराया, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में रेबीज का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था। इस बच्ची के लिए इंजेक्शन आप लेके आए, कहाँ से लेके आए? मार्केट से। हॉस्पिटल में नहीं मिला क्या? नहीं। क्यों, डॉक्टर ने क्या बोला यहाँ पे? यहाँ पे है नहीं है। हाँ, मार्केट में मिल सकता, अगर मिल जाए तो इसको 24 घंटे के अंदर इंजेक्शन लगना जरूरी है। हाँ, हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं मिली आपको? पाटन बाईपास के आगे लगभग आधा किलोमीटर आगे मंडला से बैगा परिवार जा रहा था रास्ते से, और आम के पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहा था या आराम कर रहा था, तो उसमें पता चला कि बच्ची को एक कुत्ते ने काट दिया है। तो सोनू पाटकर जो हमारे एक जन सहयोगी है, उनके माध्यम से उन्होंने इसको लेके आया और शहपुरा के हॉस्पिटल में इसको भर्ती कराया गया। और शहपुरा भिटौनी से राजेश शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार, स्टेज न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना महामारी के इस भीषण आपदा के समय सभी को मिलजुल कर सहयोग की जरूरत है। देश भर में लोग आगे आकर सहायता के लिए हाथ बढ़ा रहे। पीड़ित मानवता की सेवा की ये सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी में नरसिंहपुर में गोटेगांव नगर के युवा मोनू पटेल मित्र मंडल ग्रुप ने भी सहायता के लिए लोगों के लिए हाथ खोले दिए, और लगातार 4 दिनों से मोनू पटेल मित्र मंडली हेल्पलाइन डेस्क के द्वारा 1 किलो दाल और 2 किलो चावल के पैकेट घरों में तैयार कर नगर पालिका परिषद गोटेगांव को सौंपकर जरूरतमंद गरीब के राशन पहुंचा रहे, जिसमें रोजाना गोटेगांव नगर और आसपास जनपद पंचायत गोटेगांव द्वारा प्रदत्त गाड़ी में उस राशन को गाड़ी में लोड कर जरूरतमंद तक घर घर पहुंचाया जाता। हम लोगों ने फोन किया था तो मोनू भैया की तरफ से हम लोगों को राशन मिल रहा है, तो हमें बहुत धन्यवाद, सुविधा मिल रही है। कब किया था फोन? परसों नरसों के दिन। अच्छा, तो क्या सुविधा पहुँचाई है? जानदार पहुँचाए हैं, राशन पहुँचाया है। कितने लोगों को बांटा यहाँ पे? 10-20 जनों को। पूरे मोहल्ले में जिनको जरूरत थी उनको दिया है? दिया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका गोटेगांव के आदेश अनुसार हम लोगों को घर घर खाद्यान्न सामग्री पहुंचाने की ड्यूटी दी गई है, उसी एवज में हम ये काम कर रहे हैं। अभी हम 4 दिन से हमारे श्री मोनू पटेल जी के द्वारा और उनके मित्र मंडल के द्वारा सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जिसमें उन्होंने 2 किलो चावल एवं 1 किलो दाल के पैकेट बनवाए हैं,
दो किलो चावल का एक पैकेट और एक एक किलो दाल का एक पैकेट, और हितग्राहियों को चिन्हित करके जो भी जिनको जरूरत है हेल्प डेस्क में जो भी आते हैं, जो भी उन मित्रमंडल के पास उनके फ़ोन आते हैं, हेल्प डेस्क है उसके एवज में जितने भी नाम आते हैं और चिन्हित भी किए जा रहे हैं, जगह जगह जाके ये भी चेक किया जा रहा है कि उनको ज़रूरत है उनको हितग्राहियों को। रोज कितने क्विंटल माल बांटा जा रहा है? आज करीबन हमारा आज चौथा दिन है बांटते हुए, अभी हमने रोज़ लगभग 100 से 125 परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है।